एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पदचिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा।